आज मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ अपना ट्रेक। और मेरे हाथों की ऐसी कंडीशन हो गई है ना, क्योंकि सुबह से अभी तक लगा हुआ, अपने पूरे एफर्ट डाल रहा हूँ इसके अंदर कि बेस्ट से बेस्ट दिखे मेरा ट्रेक। धूप में पेंट को रख दिया जाता है ना, तो वो अच्छी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आप सभी को मेरा एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल गौरव पांडे पर। दोस्तों चलिए, एक प्यारे से नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है मेरी। और मेरा आज का ब्लॉग में बाकी ब्लॉग की तरह काफी स्पेशल होने वाला है। जैसे आप लोगों ने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा, तो मैं ट्रेक को नया बनाने की कोशिश थी वो कल आधी ही रह गई थी, इस वजह से आज का ब्लॉग मुझे दोबारा बनाना पड़ा, क्योंकि कल बहुत ज्यादा शाम हो गई थी, इस वजह से मैंने वो ब्लॉग वहीं पर एंड कर दिया था। और ब्लॉग भी काफी ज्यादा लंबा बन गया था, सोचा क्यों ना जो मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ वो सेकंड ब्लॉग में दिखा दूंगा। बट आज मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ अपना ट्रे, तो देखते हैं मेरी मेहनत कितनी रंग लाएगी। तो जो ट्रे था वो मैंने ऐसे रखा हुआ है अभी, क्योंकि उस पर कुछ काम तो करना नहीं था। जिस कलर से मैंने आज पेंट करना है ना ट्रे के ऊपर, तो वो कलर मैंने सुबह ही धूप में रख दी थी। धूप में पेंट को रख दिया जाता है ना, तो वो अच्छी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब जमे हुए नहीं रहते। हमने खाना भी खा लिया है, अदरवाइज हम लोग को 1 या 1.5 बजी जाता था डेली खाना खाने के लिए। आज मैंने मम्मी से बोला कि 12 बजे तक ही सारा काम निपटा लेंगे, क्योंकि मैंने फटाफट ट्रे कंप्लीट करके आप लोग को दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं जिस कलर से पेंट करने वाला हूं, वो मैं 2 कलर से ट्रे को पेंट करूंगा, एक है व्हाइट और दूसरा है गोल्डन। और आप लोग को जो बोतल दिखाई दे रही है वो है टारपिन ऑयल, जिससे कि जो पेंट है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और एक पतला सा ब्रश है मेरे पास। चलिए अब आप लोग को दिखाता हूँ कि व्हाइट और गोल्डन के कॉम्बिनेशन से मैं अपने ट्रे को फिर से दोबारा यूज में लेने लायक बना सकता हूँ या नहीं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे आउटलाइन दे देते हैं। स्टेप कंप्लीट कर दिया है, आप लोग देखते हैं जो मैंने इसका अंदर का बॉर्डर है वो रेडी कर दिया है। तो अब बारी आती है तो इसमें जो मैं कॉम्बिनेशन में गोल्डन कलर लेके आया हूँ उसको फिल करने की। तो देखते हैं व्हाइट के आउटलाइन गोल्डन कैसे दिखते हैं। तो चलिए अब गोल्डन कलर करते हैं। सेकेंड वाली जो बॉर्डर लाइन थी वो भी यहाँ पे पेंट कर दी, आप लोग देखते हैं व्हाइट कलर से। और अंदर जो है मैंने वो गोल्डन कलर कर दिया है, आप लोग देख सकते। गोल्डन कलर करने के बाद मैंने अपनी कितनी गलतियाँ जो है वो छुपा दी थी, बट मैं आप लोग को बताऊँ लिटरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तो मेरे पास व्हाइट पेंसिल नहीं थी, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप लोग देखोगे मेरे से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। बट डोंट वरी, अच्छा ही लगेगा जहाँ तक मुझे लगता है लास्ट में फील करने के बाद। अभी तो गोल्डन वर्क करना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क है, बट चलिए लग जाते हैं फिर से काम करने में। मैं बहुत ज़्यादा मोटा कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि इसमें बारीक नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ मुझे मोटी पेंटिंग करनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग देखते हैं कि मेरा जो डिजाइन है वो धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहा है। मैंने अंदर का जो पूरा है वो कंप्लीट कर दिया है, अब बचे हुए कॉर्नर, तो कॉर्नर को भी मैं अब धीरे धीरे कंप्लीट करने वाला हूँ जल्दी। आज मैं फटाफट से ये ट्रिकों का कंप्लीट ही करके आप लोग को दिखाऊंगा, फिर देखते कंप्लीट करके कैसे डिजाइन निकल के आते हैं मेरे ट्रे का। अब
जाके मेरा अंदर का डिजाइन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का डिजाइन मैंने यहाँ पर बनाने की सोची थी। कॉर्नर जो है वो बचे हुए हैं, कॉर्नर बस अब फटाफट से कंप्लीट करूंगा। और मेरे हाथों की ऐसी कंडीशन हो गई है ना क्योंकि सुबह से अभी तक लगा हुआ हूँ, तो आप लोग बोलेंगे कि इतना कुछ हार्ड वर्क भी नहीं था, बट जितना भी था मेरे लिए मुझे लगता है कि हाँ हार्ड था, क्योंकि मैं अपने पूरे एफर्ट डाल रहा हूँ इसके अंदर कि बेस्ट से बेस्ट दिखे मेरा ट्रे। तो चलिए आप फटाफट से कॉर्नर कंप्लीट करते हैं। मैंने वन साइड पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो ऐसे ही मैंने अब तीनों साइड करने के लिए मेरी कोशिश कितनी कामयाब रहती है आगे। तो चलिए फटाफट से अब जितने कॉर्नर बचे हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो देख सकते हैं अब मेरा जो ट्रे है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी आ चुकी है इसको फाइनल टच देने की, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो कॉर्नर है वो कहीं पे ब्राउन कलर के हैं और कहीं पे गोल्डन। तो मेरा जो मोटिव था वो गोल्डन करने का था, बट मैं भूल चुका था इसलिए मैंने इसको ब्राउन कर दिया। तो फटाफट से अब इसको फाइनल टच देते हैं, और बीच बीच में इसमें कहीं कहीं पर भी बॉर्डर देना है, तो मैं आप लोग को अब इसको डायरेक्ट फाइनल टच करके ही दिखाता हूँ। दोस्तों मेरा ट्रे यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन जो था मेरे माइंड में आया था ट्रे को ड्रॉ करने के लिए, और आज जब मेरा ट्रे पूरा कंप्लीट हो चुका है तो कुछ भी चीज़ फेंकने से पहले उसके बारे में हज़ार बार सोच लेना चाहिए। तो उसका एग्जांपल आज आप लोग के सामने ये ट्रे भी है। तो मम्मी ने इसको मतलब यूज़ में तो नहीं लिया था, बट मैंने इसको दोबारा यूज़ में लाने लायक बना दिया है। कैसी लगी मेरी ड्रॉइंग प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं गाइस जल्दी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।